अगर आप फागुन पूर्णिमा के बाद धनिया नहीं खाते या किसी और रीजन से भी अगर धनिया नहीं खाते तो ये सारी रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। आज हमने चार क्लासिक चटनी बनाई है। सबसे फर्स्ट है क्लासिक होममेड चटनी। एक जार में हम ऐड करेंगे फ्रेश पुदीना, उसी के साथ खटाई के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खट्टा आम। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हो। तीखी वाली मिर्ची ले लिए, इसी के साथ हींग, जीरा और ब्लैक सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें पीनट्स ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे क्रश कर लेंगे और ये हमारी क्लासिक होममेड चटनी रेडी है। मुझे थोड़ी सी दरदरी पसंद है, अगर आपको और अगर स्मूथ चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और फाइन पेस्ट कर सकते हैं और ये हमारी क्लासिक होममेड चटनी रेडी है। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं डार्क ग्रीन चटनी। इसे आप चिल्ले या किसी भी टाइप के कटलेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है फ्रेश पुदीना, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम और कुछ करी लीव्स, उसी के साथ तीखी वाली मिर्ची, हींग, जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, उसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर और बाइंडिंग हमें इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कैप्सिकम यूज़ किया है। खटाई के लिए हम इसमें डाल रहे हैं नींबू रस और थोड़ा सा पानी, इसे भी हम कर देंगे क्रश और ये हमारी डार्क ग्रीन चटनी रेडी है। आपको रोल्स बना लीजिए, फ्रेंकी बना लीजिए, ये चटनी एकदम परफेक्ट है उन सभी रेसिपी के लिए। नेक्स्ट इज गुजराती स्टाइल चटनी, जो खमण लोचा उसके साथ सर्व की जाती है। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर पुदीना लिया है। मेन इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ पर कुकुम्बर होता है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, उसी के साथ कैप्सिकम और रॉ मैंगो ऐड कर दिया है। अगर ये नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है गांठिया, चटनी की जान है। नहीं है तो आप बेसन को सेक कर डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने इसमें तीखी मिर्ची, ब्लैक सॉल्ट, हींग, सॉल्ट और शुगर ऐड किया है। शुगर थोड़ी सी ज्यादा रखें क्योंकि ये चटनी थोड़ी मीठी होती है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम कर लेंगे फाइन पेस्ट और ये हमारी खमण लोचा चटनी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही टेस्टी चटनी है। रेस्टोरेंट में जो पनीर टिक्का कबाब के साथ सर्व की जाती है वो चटनी हम बनाएंगे। फ्रेश पुदीना में मैंने कच्ची कैरी ऐड कर दी है, नहीं है तो आप आमचूर पाउडर यूज कर लीजिए। तीखी वाली मिर्ची, पीनट्स, हींग, जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दही भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि दही का पानी है। इसे हम फाइन क्रश कर लेंगे। फाइनल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हंकड़ लिया है, उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मैश कर दूंगी और उसमें हमारी चटनी को हम ऐड कर देंगे और ये हमारी चटनी रेडी है। पापड़, टिक्का, कबाब सभी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको सारी चटनी की रेसिपीज बहुत पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई एंड राइट इन कमेंट बॉक्स।